बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी हम लोग, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को हम समराइज कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। अगर हम गौर करें तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो दो बातें, लाइन के बारे में हमने दो चीज़ों का जिक्र जो है वो अभी तक हमने डिटेल में किया है। एक हमने पढ़ा था कि लाइन की स्लोप कैसे, यानी क्योंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, लाइन का चैप्टर है, तो लाइन के बारे में हमने दो बातें पढ़ी है। नंबर 1, लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना। नंबर 2, लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्लोप में अगर आप रिकॉल करें तो स्लोप में हमने कहा था स्लोप को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, एक पॉइंट्स की मदद से और दूसरा इक्वेशंस की मदद से। ठीक हो गई बात? पॉइंट्स की मदद से कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? राइज ओवर रन या एम इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। ऐसे स्लोप एक तरीका, स्लोप को कैलकुलेट करने का सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या थी? इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास दो तरीके थे, एक इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते थे Y इज इक्वल टू MX प्लस बी या एम इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। क्लियर हो गई बात? ये वो सारी समरी है जो इस चैप्टर 2 की अभी तक हमने पढ़ी है, जिसको हमने डिस्कस किया। इक्वेशन, इक्वेशन बनाने के लिए हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है? फॉर्मूला नंबर 1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फॉर्मूला 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, ये मेथड भी था हमारे पास। और थर्ड मेथड क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी एंड द लास्ट वन वॉज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी। तो जो कुछ आज तक हमने सारा कुछ पढ़ा है अब वो इस एक फ्लो चार्ट में आपको नजर आ रहा है। ये वो सब कुछ था, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो सकता है, पॉइंट कैसे है, स्लोप कैसे हाइड होगी, पॉइंट कैसे हाइड होगा, ये सब कुछ हम लर्न कर चुके हैं। तो आज थोड़ा सा एक दो डेफिनेशंस को इसमें लेकर चलते हैं। अब इससे अलाइड क्या बातें एग्जामिनर हमारे साथ और कर सकता है उसको भी हम थोड़ा सा फर्दर टेकअप करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ एग्जामिनर फर्दर और लेकर चल सकता है। नाउ एक डेफिनेशन आ सकती है लाइन से रिलेटेड, जो बातें अभी हम करें, एक डेफिनेशन आ सकती है कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर, कोलीनियर, को लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन, कोलीनियर मीन्स एक ही लाइन पर। 3 or more points are said to be collinear if they lie on a single straight line. अगर 3 point या 3 से ज्यादा point एक ही लाइन पर हो तो उनको हम collinear बोलते हैं। इसके बाद एक बात लिखिए, इसका reversal, नॉन कोलिनियर, 3 or more points आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ दे डू नॉट लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। कोई एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, मैं इसको डिटेल में भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एक लाइन है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन
पर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? कोलीनियर। आप इसका नाम दे दें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए बी सी आर कोलीनियर, वेयर एज पॉइंट डी ई, डी बी ई, ये एक लाइन पर नहीं है, इन्हें हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते, आर नॉन कोलीनियर। यानी अगर तीन पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो तो उनको क्या कह देते हैं? कोलीनियर। और अगर ना ज्वाइन कर सकते हो तो उनको क्या कह देते हैं? नॉन कोलीनियर। अब ये बात एग्जामिनर इस डेफिनेशन को कैसे टेकअप कर सकता है, कैसे हम इसको फर्दर लेकर आगे चल सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी और एमसीक्यूज के हवाले से बात। एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलीनियर बिकॉज यू कैन ऑलवेज कनेक्ट देम विद अ स्ट्रेट लाइन। अगर दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट हमेशा ही कोलीनियर है। मसलन ये दो पॉइंट है ना, मैं इन पॉइंट्स की पोजिशन जो मर्जी कर दूं, मसलन अगर ये दो हैं या ये दो हैं या ये दो हैं या ये दो हैं, किसी भी दो पॉइंट को आपस में वो कोलीनियर है। मसलन मैं ये पॉइंट ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ, इसको सी कहता हूँ, इसको डी कहता हूँ, इसको ई कहता हूँ, कोई से दो पॉइंट कोलीनियर ही हैं, वो ए एंड बी हो सकते हैं क्योंकि इनको मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर सकता हूँ, वो सी एंड डी हो सकते हैं, वो ए एंड बी हो सकते हैं, बी एंड ई हो सकते हैं। इफ देर आर टू पॉइंट दे आर ऑलवेज कोलीनियर, क्योंकि दो पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तीन पॉइंट ज्वाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे ए बी एंड सी आर नॉन कोलीनियर क्योंकि कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो इन दोनों को ज्वाइन कर सके, या ए डी एंड बी आर नॉन कोलीनियर, ठीक है। तो टू पॉइंट विल ऑलवेज बी कोलीनियर, दो पॉइंट हमेशा ही कोलीनियर होंगे। ओके, सवाल में कैसे इसको लेकर चलेंगे कि कोलीनियर हैं या नहीं है, तो मैंने लिखा हुआ स्लोप फॉर्मूला मेथड। देर आर टू मेथड जिसकी मदद से हम कोलीनियर होने को प्रूव कर सकते हैं। मैं भी इसको दिखाता हूं आपको, वन बाय वन चलते हैं। थ्री और मोर पॉइंट आर कोलीनियर इफ स्लोप ऑफ एनी टू पेयर ऑफ पॉइंट इज सेम। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, और क्योंकि हम बार बार क्या करें, पिछले नॉलेज को बीच में शामिल करके आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि पिछले वाला काम भी दोबारा दोबारा प्रैक्टिस हो जाए। तो लेट्स अज्यूम जी, ये मेरे पास वही एक ग्राफ पेपर आ गया। इस ग्राफ पेपर में हम तीन पॉइंट ले लेते हैं, कुछ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। जैसे ही आपने थ्री पॉइंट्स लिए, क्योंकि मैंने नीचे ग्राफ लिया हुआ है तो वी कैन रीड देम, जरा रीडिंग लेते हैं जी। इसके एक्स एक्सिस कितना है यहां पर? 1 2 3 4। और वाई कितना है? 1 2 3 4। सो ये पॉइंट आ गया, इसका नाम ए पॉइंट रख दिया हमने, इट इज 4 4। पॉइंट बी, एक्स कितना आ गया? 1 2। वाई कितना आ गया? 1 2 3। दिस इज पॉइंट बी। देर इज अनदर पॉइंट कॉल्ड सी, एक्स कितना आ गया? -2। एंड वाई कितना आ गया? +1 इज पॉइंट सी। सो वी हैव थ्री पॉइंट्स ए बी सी। क्या कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिससे हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर तो हम स्केल रख के लाइन लगाएं और ये एक लाइन पर ही आ जाए तो दे आर कोलीनियर। और अगर ना आए, मसलन मैं पॉइंट सी को यहां से उठा के यहां ले जाऊं या यहां ले आऊं, तो क्लियरली आई साइड से भी मुझे नजर आ रहा है कि एक लाइन से ज्वाइन नहीं हो सकेंगे, दे विल बिकम नॉन कोलीनियर। सो लेट्स, हमने एक लाइन लगाई तो पता चला ये सारे पॉइंट तो एक ही लाइन पर हैं, कोलीनियर। अब एग्जामिनर ने सवाल बनाया, क्या किया जी एग्जामिनर ने? उसने कहा जी देयर आर थ्री पॉइंट
पॉइंट वन, फोर फोर पॉइंट टू, टू थ्री पॉइंट थ्री, माइनस टू वन, आर द अबव पॉइंट आर कोलिनियर। हमने अब साबित करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। हमने कहा कोलिनियर को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। पहली स्ट्रेटजी हमने कही कि हम इसके जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, एक सेगमेंट है ए बी, ए बी, दूसरा सेगमेंट है बी सी, तीसरा सेगमेंट है ए सी। इन तीन पॉइंट से ये तीन सेगमेंट्स बन सकते हैं ना, तीन लाइंस के सेगमेंट हैं पर पोर्शन। एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, या ये होल है। अब आपको पता है कि हम इसको स्लोप की मदद से कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, इन तीनों की स्लोप सेम है, तो इसका मतलब है ये एक ही लाइन पर है, क्योंकि हैं तो ये एक लाइन पर। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, ए बी y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्या आंसर आ गया जी, माइनस वन बाई माइनस टू, स्लोप इज वन बाई टू। ए बी पोर्शन की स्लोप क्या है, वन बाई टू। बी सी पोर्शन की स्लोप क्या है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या हो गया, माइनस टू बाई माइनस फोर, वन बाई टू। ए सी, ए सी कैसे स्लोप निकाले, वाई टू वाई वन, वन माइनस फोर ओवर माइनस टू माइनस फोर, माइनस थ्री बाई माइनस सिक्स, वन बाई टू। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक तरीका, इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप निकाली, और इस पूरी लाइन की स्लोप। यानी हमने ऐसे समझा कि अगर ये एक लाइन हो, ये दूसरी लाइन हो, या ये तीसरी लाइन हो, क्या इन तीनों लाइन की स्लोप बराबर हैं? अगर स्लोप बराबर हैं तो फिर ये लाइंस क्या हैं, कोलिनियर हैं। स्लोप्स आर इक्वल, सो द लाइंस आर कोलिनियर। अच्छा, आप कहें कि यह तो सर ऐसे हो गया, एक और तरीके से निकालते हैं इसको। अगर मेरे पास, आपको पता है दो पॉइंट आ गए ना, वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट को भी जरा रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप आ गई वन बाई टू, स्लोप आ गई वन बाई टू, तो हम इसकी मदद से इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी है स्लोप भी है, तब भी इक्वेशन बन सकते हैं। दो पॉइंट हैं तब भी इक्वेशन बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या है, टू पॉइंट फार्मूला लगा लें या स्लोप एंड पॉइंट फार्मूला लगा लें, और जोन सा मर्जी पॉइंट उसमें यूज कर लें। बस मैं कहता हूं जी ये वाला पॉइंट मैं यूज करता हूं, और स्लोप मेरे पास है वन बाई टू। सो मेरे पास इक्वेशन का क्या फार्मूला था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स माइनस फोर, y माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स, ये इधर गया पॉजिटिव हुआ तो प्लस टू बच गया,
ये वाला काम आप अपने हाथ से ग्राफ पर एक मरतबा दो मरतबा कर गुजरें, क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके ग्रिप में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त देखें मैंने इक्वेशन को कैसे अरेंज किया है, वाई इधर रह गया बाकी सब कुछ इधर चला गया, इसको हम क्या कह रहे थे कल, इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तवज्जो कीजिए। सो स्लोप क्या है इसकी, 1/2, वही आ गई ना जो अभी हम स्लोप निकाल रहे थे, और बी क्या है, प्लस टू, और बी है क्या, वाई इंटरसेप्ट, जरा तवज्जो करें, वाई इंटरसेप्ट, देखिए जरा आप, लाइन तो हमारे पास फिजिकली मौजूद है, हमने खुद ही लगाई है, ये लाइन यहां से चली, चलते 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 इसने वाई को कहां कट किया हुआ, टू पर ही किया हुआ, y इंटरसेप्ट। सो हम वहीं खड़े हैं, टॉपिक हमारा उधर ही रहना है, उसमें से जस्ट एग्जामिनर फ्लेवर बना बनाकर हमें क्वेश्चन बना बनाकर दिखाता जा रहा है। अब ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना, यहां से मैं आगे चल सकता था, खैर एनीहाउ मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस टू। कोलिनियर का एक मतलब और भी तो है, एक ही लाइन पर हैं, क्या मीनिंग है कोलिनियर, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, किसी पॉइंट का ये वेरी, आगे चल के हमें से ऐसे छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट लेंगे, अभी टेकअप भी करेंगे किसी भी पॉइंट को देखना हो कि वो लाइन के ऊपर है या नहीं है, मतलब मैंने इस पॉइंट को चेक करना है, क्या ये इस लाइन का के ऊपर पॉइंट है, तो इसका बड़ा आसान तरीका क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्या कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट की वैल्यू, कौन सा पॉइंट, ए एक्स फोर वाई फोर, ये यहां पुट कर दें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, राइट साइड का आंसर और लेफ्ट साइड का आंसर आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर ही है, तो आप इस पॉइंट को यहां पुट कर देते हैं, पॉइंट ए को तवज्जो करें, पॉइंट ए को मैं यहां पुट करता हूं, वाई कितना है, फोर इज इक्वल टू हाफ एक्स कितना है, फोर प्लस टू, फोर इज इक्वल टू फोर, टू बच गया ना, टू प्लस टू फोर आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर ही है। अब दूसरा पॉइंट ले लें, टू थ्री, देखिए जरा, वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री इज इक्वल टू हाफ इंटू टू प्लस टू, सो थ्री इज इक्वल टू थ्री, इक्वेशन फिर सेटिस्फाइड हो गई। तीसरा पॉइंट लेंगे, फिर सेटिस्फाइड हो जाएगी, यहां से भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जब एग्जामिनर ने हमें पॉइंट के साथ इक्वेशन दी हुई हो। अब एग्जामिनर सवाल कैसे बनाएगा कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, बताइए क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, और अलग अलग स्लोप लेकर भी वेरीफाई कर सकते हैं, स्लोप से भी वेरीफाई हो जाएगा अगर स्लोप सेम आ गई, लेकिन अपनी बात को, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में ले जाने के लिए हम एक काम करते हैं, जरा तवज्जो कीजिए मेरे साथ, कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर, ये तो मुझे नजर आ रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट, मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं, इसका नाम रखता हूं पॉइंट डी, जरा डी को रीड करें, एक्स कितना है, वन टू, और वाई कितना है, वन टू थ्री फोर, टू एंड फोर इज अनदर पॉइंट विच इज कॉल्ड डी पॉइंट। अब मैंने देखना है क्या ये भी कोलिनियर है, तो आप इस पॉइंट को उठाकर जरा इक्वेशन में पुट करते हैं, पॉइंट डी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए जरा पॉइंट डी क्या है, y4, 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टू प्लस टू,
4 is equal to 1 plus 2. 4 is equal to 3, which is not correct. So, proof ho gaya कि ये पॉइंट बी पॉइंट को लीनियर नहीं है, इस लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि या इस लाइन से ऊपर है या इस लाइन से नीचे है। इसी तरह आपको यहां पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट यहां ले लीजिए, कोई पॉइंट यहां ले लीजिए, इनकी रीडिंग लेकर पुट करें अपनी इस इक्वेशन में, ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, विच शोज कि ये पॉइंट्स लाइन के ऊपर नहीं हैं। इसका मतलब है दो तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। आमतौर पर हम उसी पहले वाले मेथड से ही करेंगे कि हम स्लोप निकाल लिया करेंगे और स्लोप निकाल कर हम वेरीफाई कर लिया करेंगे कि क्या स्लोप, क्या सेगमेंट की स्लोप आपस में बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही होगी तो उसको हम क्या कह देंगे, कोलीनियर पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स आर कोलीनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ आए। थ्री आर मोर पॉइंट्स आर कोलीनियर इफ स्लोप ऑफ एनी टू पेयर ऑफ पॉइंट इज सेम। एनी टू पेयर, तीन थे तो फिर तीन पेयर बन गए। स्टेटिस्टिक्स में आप पेयर बनाना सीख भी रहे होंगे। With three point A, B and C, three pair of point can be formed. AB, BC, AC. और फिर क्या है? If slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC, then ABC are collinear. यही पढ़ रहे थे। मैंने क्या किया? आपके इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहां से ये ड्रॉ करके समझा दिया। यहां हमने सारे को लर्न कर लिया, सीख लिया, कोलिनियर की बात को हमने यहां पर वाइंड अप कर लिया। अच्छा जी, अब आते हैं जी यहां तक जरा मुकम्मल करके, अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये जो हम कह रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये एक रिलेशन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन रिलेशन की बात हो रही है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। और जब हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, जब हम ये इक्वेशन बनाते हैं, मतलब मैंने इक्वेशन बनाई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जब इसके अंदर मैंने डेटा पुट कर दिया तो इक्वेशन की शक्ल सूरत कोई ऐसी निकल आई होगी शायद, लेट्स अज्यूम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, विच इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। या मैं अपने से लिखता हूं, मैं कहता हूं जी y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूं, y इज इक्वल टू 20x प्लस 50, विच इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गई बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक फॉर्मूला बन गया है कि अब मैं यहां y की वैल्यूज निकाल सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं x की कोई भी वैल्यू पुट करके। मतलब इफ y इज 1, इफ y इज 1 तो y, सॉरी इफ x इज 1, हम y की वैल्यू निकालते हैं, इफ x इज 1 तो y कितना आ गया 20 इंटू 1 प्लस 50 विच मीन्स 70। और अगर x 2 हो तो y इज इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 50 90 एंड सो। ये जिसको हम कह रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये असल में किसकी इक्वेशन है? हर वो चीज जिसका रिलेशन स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये उसकी एक इक्वेशन बन गई। हमें इसका क्या फायदा होगा, हमें इसका क्या फायदा होने जा रहा है? जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं।
ये मैंने कोई एक कॉन्सेप्ट लिख दिया आपके सामने। मैंने कहा जी अगर किसी चीज़ के मैं 50 यूनिट बनाऊं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 90 रुपीज़ आ रही है, और अगर मैं 70 यूनिट बनाऊं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 110 यूनिट्स आ रही है। ये यूनिट्स हैं, अब ज़रा यहाँ से आपने तवज्जो करनी है थोड़ी, और ये कॉस्ट है, ठीक है। मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कोई चीज़ बना रहा हूँ, अगर मैं 5 यूनिट बनाऊं तो टोटल कॉस्ट आती है 90, अगर 7 यूनिट बनाऊं तो टोटल कॉस्ट आती है 110। और मुझसे एग्जामिनर पूछता है कि अगर आप 12 यूनिट बनाएं तो बताइए कितनी कॉस्ट आती है। ये सारा कुछ बतलाते हुए एग्जामिनर मुझे एक बात जरूर बताएगा कि जो कॉस्ट का रिलेशन है ना, इट्स अ लीनियर रिलेशन। लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, और ये क्या है, वाई की वैल्यू है। इसका मतलब है एग्जामिनर ने मुझे क्या चीज बताई है, पॉइंट बताया है। एक पॉइंट है 590, दूसरा पॉइंट है 710, ये 2 पॉइंट है। हुआ क्या, एक्स एक्सिस पर मैं यूनिट्स लिख रहा हूं अपने ग्राफ पर, और वाई एक्सिस पर उस यूनिट की कॉस्ट लिख रहा हूं। ये मेरा ग्राफ था, इधर मैंने यूनिट्स लिखे हैं और इधर मैंने कॉस्ट लिखे हैं। यूनिट और कॉस्ट का रिलेशन क्या है, वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब वो कहते हैं बताइए 12 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला। हम कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन 2 पॉइंट की मदद से पहले इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। जैसे ही इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर्मूला बना लिया आपने, अब उसमें जितने मर्जी यूनिट पुट करके उसकी कॉस्ट निकालते जाएंगे। तो पहले आप इन 2 पॉइंट की मदद से इक्वेशन बना लें। कैसे बनेगी इक्वेशन 2 पॉइंट की मदद से, फॉर्मूला था ना हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। y माइनस y1, अब इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, y माइनस 90 इज इक्वल टू 110 माइनस 90 ओवर 7 माइनस 5 इंटू x माइनस 5, ठीक है ना। 2 पॉइंट फार्मूला हमने पुट कर दिया, y माइनस 90 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया, 90 में से 110 माइनस कर लें, 20 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 5, वाई माइनस 90 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 5, सो वाई इज इक्वल टू 10 एक्स माइनस 50 प्लस 90, सो y इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस 40 इज द अल्टीमेट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये फार्मूला निकल आया। एक टॉपिक हमारा आएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, वैसे तो वो एक अलग चैप्टर 1 का टॉपिक है उसूली तौर पर, लेकिन सम टाइम हम चैप्टर 2 के साथ ही उसको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसे मिल रहा होता है तो यहीं पर उसको टीच कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम ब्रेक इवन का लफ्ज यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको चैप्टर 2 के नॉलेज से ही डिस्कस करें। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका फार्मूला क्या है, 10 एक्स प्लस 40। अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ द लाइन के नॉलेज से ही पढ़ूं तो 10 क्या है बोलिए,
स्लोप ऑफ द लाइन, एक्स के साथ जो लिखा स्लोप होती, और ये क्या है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इज 40, ये भी है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, 40 क्या है वाई इंटरसेप्ट। अच्छा जी, जब हम ब्रेक इवन में जाएंगे तो उस वक्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। उस वक्त हम एक बात कहेंगे जो स्लोप ऑफ द लाइन होती है ना, असल में अब लाइन को भूल जाएं, जो स्लोप ऑफ द रिलेशन होती है, लाइन तो हम एक मैथमेटिकल बात करने के लिए लफ्ज यूज कर रहे थे, स्लोप ऑफ द रिलेशन, ये जो मेरा रिलेशन था इसकी जो स्लोप थी वो 10 थी। अब हम स्लोप जो 10 आ रही है इसको हम बाद दफा वेरिएबल कॉस्ट भी बोलेंगे आगे चल के। ये मेरी लाइन थी, ये जहाँ इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 40 था, इसको बाद में हम फिक्स कॉस्ट भी बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले लेक्चर में चल के ये बात करेंगे। अभी तो हम चैप्टर 2 के नॉलेज से इस सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, दो पॉइंट्स गिवन थे, उनसे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बना ली। अब जिस पॉइंट को पूछ रहा है वो वैल्यू पुट कर दें यहां एक्स की, तो वाई की और आंसर निकल आएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया है, हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 40। अब वो कह रहा है एक्स इज 12, तो वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 12 प्लस 40, 120 प्लस 40, 160 इज द आंसर। क्या ख्याल है, अब यहां वो कुछ भी पूछ लेता 12, 15, 100, 100, 10, 100, तो हम बस यहां पुट कर देते। तो आप ऐसे समझिए इस बात को, जिस लफ्ज को हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो असल में क्या है, फॉर्मूला टू डिटरमिन समथिंग, इट इज फॉर्मूला टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दीज यूनिट्स। प्रैक्टिकल लाइफ में वो तो मैथमेटिकली पढ़ रहे थे पहले, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। नाउ अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसी भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, हम ऐसे लेकर चल सकते हैं। जब हम ब्रेक इवन पढ़ेंगे तो हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रेक इवन के साथ लिंक करेंगे, ये जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की बात की है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम इसे चैप्टर 2 से ही सॉल्व करना चाह रहे थे। सो, आपको ये पता चल गया, अगर मुझे कोई भी दो चीज़ें आ जाए, कुछ भी दो चीज़ों का रिलेशन पता चल जाए और एग्जामिनर एक एक्स्ट्रा बात कह दे, वो एक्स्ट्रा बात क्या है कि इनका रिलेशन आपस में लीनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन बनाकर कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन मैं फिर कहता हूँ, किसी चीज़ के 15 यूनिट बनाने पर आपकी 2,50,000 कॉस्ट आती है, और 30 यूनिट बनाने पर 400,000 कॉस्ट आती है, तो बताइए 45 यूनिट बनाए तो क्या कॉस्ट आएगी। यू कैन सॉल्व इट नाउ, दीज आर टू पॉइंट, यूनिट्स कहां लेने एक्स पर और कॉस्ट कहां लेनी है वाई पर। इसका मतलब है ये एक पॉइंट है 15, 2,50,000, ये एक पॉइंट है 30, 400,000। इन दो पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ द रिलेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब इक्वेशन बन जाएगी तो उस इक्वेशन में फॉर्मूला बन गया, उसमें 45 पुट कर देंगे एक्स, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे, इसकी एप्लीकेशन आपको इस तरह से नजर भी आएगी, एग्जाम में भी नजर इस तरह से आपको कुछ ये चीजें नजर भी आ रही होंगी। अच्छा जी, अभी ब्रेक इवन हमने टॉपिक को फिलहाल टेकअप नहीं किया, ठीक है ना, ब्रेक इवन को हम अगले लेक्चर में या फिर चैप्टर 1 के साथ टेकअप करेंगे, ठीक है ना।
तो हम आते हैं जरा क्वेश्चन बैंक की तरफ और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियसली सॉल्व कर लिए थे, कुछ एक दो क्वेश्चन अभी हम टेकअप नहीं कर रहे थे कि अभी हमने वो बातें पढ़ी नहीं है, लेकिन अब काफ़ी सारा काम हमने पढ़ लिया है। तो ज़रा देखते हैं हमने कहाँ तक काम कर लिया था। हम पहुँच गए थे क्वेश्चन नंबर 5, हमने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन बैंक का, आई कैप के क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम अभी कर सकते हैं, ठीक है। और आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 - 3x इज, कौन सी शक्ल में इक्वेशन लिखी हुई है, कौन सी शक्ल में इक्वेशन लिखी हुई है? इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इंटरसेप्ट फॉर्म में। और आपको पता है जब y इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो तो जो x का कोफिशियंट है अलोंग विद इट्स साइन, ये क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज -3, सो द ऑप्शन इज सी। ओके, y इज इक्वल टू -3। ओके, नाउ अब आइए जी जरा देखिए जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को रीड करें एक मरतबा, ठीक है। द टोटल कॉस कर्व ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज लीनियर, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 and 8 कॉपीज ऑफ ए फोटोग्राफ आर 80 and 116 रिस्पेक्टिवली, द टोटल कॉस्ट फॉर 10 कॉपीज। वही काम हुआ, देखिए उसने दो बातें बताई। उसने कहा जी पहली बात है रिलेशन किसका ले रहे हैं, वो कह रहा है जी हम जो कोई एक फोटोग्राफ है उसका और उसकी कितनी कॉपीज हम बनाते हैं उसका रिलेशन पढ़ रहे हैं। साथ ही उसने कहा ये रिलेशन लीनियर है, जब तक वो ये ना कहे जब तक हम लाइन वाला चैप्टर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एक चैप्टर आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कर्व्स से रिलेटेड होगा। तो ये अहम बात थी कि इनका रिलेशन आपस में क्या है, लीनियर रिलेशन है। फिर उसने वो पॉइंट दिए, वो कहता है जी अगर हम 5 कॉपीज बनाएं तो 80 रुपीज कॉस्ट आती है और अगर हम 8 कॉपीज बनाएं तो 116 रुपीज कॉस्ट आती है। और साथ ही वो कह रहा है अगर हम 10 कॉपीज बनाएं तो बताएं कितनी कॉस्ट आएगी। तो ऑब्वियसली क्या करें, सबसे पहले इन दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बना लें। दो पॉइंट कौन से हैं, एक्स कितना है और वाई कितना है। एक्स 5 नंबर ऑफ कॉपीज, 5 कॉपीज बनाए फोटोग्राफ की तो कितने कॉस्ट आती है, 80 रुपीज। 8 कॉपीज बनाए तो कितनी कॉस्ट आती है, 116, बनानी कितनी है 10। अब देखें इनसे पहले इक्वेशन बना लें, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो भी काम हम कर रहे थे। इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन में एक्स की 10 वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, हो जाएगा ना। ओके, अभी सेम जस्ट फिगर का फर्क है, अभी यही काम हमने किया। ओके, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अनदर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिगर का फर्क आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 उसी कॉन्सेप्ट का सवाल आ रहा है।
देखिए जरा, द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 80 टीवी सेट्स, अब टीवी सेट्स बना रहे हैं 80 टीवी सेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2,20,000 एंड 125 टीवी सेट एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, अज्यूमिंग द कॉस्ट कर्व टू बी लीनियर। यहां से पता चलेगा चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट लगाना, लीनियर। फिर वो कह रहा है अगर हम 95 टीवी सेट्स बनाएं तो कितनी कॉस्ट आएगी। इसका मतलब है सेम काम करना, सेम काम करना। पहले ढूंढे जी कितना, जी एक्स एंड वाई। एक्स अगर हम 80 टीवी सेट्स बनाए तो कॉस्ट आती है 2,20,000। अगर हम 125 टीवी सेट्स बनाए तो कॉस्ट आती है 287,500। यहां से ये एक्स वन एक्स टू, ये वाई वन वाई टू, टू पॉइंट्स आ गए। इनकी मदद से इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये इस कॉस्ट के फंक्शन की इक्वेशन है ना, इस कॉस्ट के फंक्शन की इक्वेशन है ये जो फंक्शन हमने बनाया। फिर उस इक्वेशन ड्राइव करने के बाद आप 95 पुट कर, क्लियर होगी बात जी? ओके, बाकी फिगर का ही फर्क है और बाकी बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, नाउ ये सारा काम तो हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पेयर ऑफ क्वाड्रिनेट एक्स वाई फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 4x + 3y इज इक्वल टू 29। क्या कह रहे हैं, नीचे ऑप्शन दिए, वो कह रहे हैं वो कौन सा पेयर ऑफ इंटीजर है, वो जो अभी मैंने सिखाया था ना आपको कि इक्वेशन में पुट करना। वो कहता है ये पेयर ऑफ इंटीजर यहां पुट करें तो देखें कि क्या होगा, पेयर ऑफ फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मैं इसको करके आपको ऐसे दिखाता हूं। ये उसने मुझे चार कॉम्बिनेशन दिए, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये। मैंने करना क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में पुट कर दे। देखिए फर्स्ट पेयर को लेता हूं, ये भी ये इक्वेशन दिया उसने 4x + 3y = 29। ये मेरी इक्वेशन है, मैंने क्या किया इसमें पहला पेयर पुट करता हूं 2 and 7। जब मैंने इसको पुट किया 2 and 4 into 2 + 3 into 7, इसको 7 कर, 3 into 7, तो क्या आंसर आ गया जी मेरे पास, जरा देखिए मैं ऐसे यहीं लिखता हूं 4x + 3y = 29। 4 into 2 + 3 into 7, 4 2 are 8 + 21, 29। आंसर क्या आ गया, 29। इस इंटीजर का आंसर पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो एक का नहीं पूछ रहा, वो दोनों का पूछ रहा है। अब मैंने ये पुट किया, क्या आ गया जी 4x + 3y = 29। नाउ 3 and 5 पुट करने लगा, 4 into 3 + 5 into 3 into 5, 4 3 are 12 + 15। क्या आंसर आ गया,
ठीक हो गई बात। यानी ये पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन टैली नहीं कर रही, इसका मतलब है ये एक और जरा कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते जाए ना साथ साथ, जरा तवज्जो करें। जब मैंने पहला पॉइंट पुट किया तो ये इक्वेशन के ऊपर ही था क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गई थी। अब मैं दूसरा पॉइंट 3 और 5 को पुट करता हूँ, 3 और 5 को पुट किया तो इक्वल नहीं आया, का मतलब है ये इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है। इसी तरह फिर मैंने सेकंड पॉइंट लिया, फिर मैं थर्ड पॉइंट लूँगा, सेकंड पॉइंट इसी तरह मैंने पुट करके देखा, ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट लूँगा। इस तरह मैंने देखना है कि कौन से पेयर जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा होगा। काम एक ही करना है आपने, बस ये वैल्यूज पुट करते चले जाना। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ लाइन हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x+7 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है h, h प्लस 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तवज्जो करें क्या कह रहे हैं, हुआ क्या, ये वही प्रॉपर्टीज अब यूज हो रही है। वो कहते हैं ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+7 और कहते हैं ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन के ऊपर है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। इसका मतलब है अभी जो बात हम कर रहे थे, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट हम लाइन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बस यहीं से सवाल हल होगा हमारा। देखिए जरा, y इज इक्वल टू 3x+7, y क्या है h प्लस 15 इज इक्वल टू 3 × h+7, सो h प्लस 15 इज इक्वल टू 3h+7। ये मैं उधर ले जाता हूँ तो ये क्या बच गया, ये मैं उधर ले गया, 3h - h इज इक्वल टू 15 - 7, सो 2h इज इक्वल टू 8, सो h इज इक्वल टू 4। ठीक हो गई बात, h 4 है, इसका मतलब है हम इस पॉइंट को बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं ना। अब h की वैल्यू इधर, इसका मतलब है ये असल में पॉइंट क्या था, 4 and 4+15, यानी 4 and 19 वॉज द पॉइंट। आप इसको भी पुट करके देखें तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ओके, सो क्या ऑप्शन होनी चाहिए, बी शुड बी द ऑप्शन। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द पॉइंट पी टू पी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, द वैल्यू ऑफ पी, सेम कॉन्सेप्ट 100% सेम। वो कह रहा है ये एक इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है, वो कहता है ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करता है। इसका मतलब है ये पॉइंट अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या इक्वेशन है जी, x+4y = 36। x क्या है, p + 4 × 2p = 36, p + 8p = 36, 9p = 36, सो p = 36/9। ठीक हो गया ना, तो p क्या आ गया, 4। बात समझ आ गई ना, एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो अब जो कुछ आपने पढ़ लिया है हम उसका
बहुत सारा जो काम है वो अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 14 ब्रेक इवन से रिलेटेड है, मैं इसलिए उसको भी स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-5 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, जब वो कल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एग्जामिनर ने हमारे से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पूछनी है। इक्वेशन पूछने के लिए कई सारी चार ऑप्शन थी उसके पास। पहली ऑप्शन थी एक पॉइंट बताए और स्लोप बता दे, ठीक है ना। दूसरी ऑप्शन थी दो पॉइंट बता दे, मैं यहीं रुकता हूं, आगे दो और थी आपको पता। यहां उसने कौन सी की ऑप्शन अवेल, देखिए एक पॉइंट तो बता दिया, अब अगर वो स्लोप बता दे क्या है, बराए रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम पहला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, इसका मतलब है उसने दो पॉइंट ही बताए हैं, क्योंकि ये पॉइंट उसने इनडायरेक्ट बताया, वो जो कल हम पढ़ रहे थे, इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, भूल तो नहीं गए ना, इससे पॉइंट निकल आएगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। कल हमने देखा था, कल का सारा लेक्चर इसी पर था, इन दो को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारा पॉइंट बन जाएगा, तो दो पॉइंट बन जाएंगे, यहां से इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप इसको कीजिए। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, ओके चलें 15 तक आज हम स्टॉप करते हैं, फिर ब्रेक इवन को टेकअप करके, ताकि ये जो दो तीन क्वेश्चन हमें नजर आए हैं इनको भी सारे को समराइज किया जा सके। आज मैंने शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में आपको पूरे चैप्टर की समरी, जहां तक अभी तक हमने पढ़ा था उस सारे की एक समरी ड्रॉ की। दो मेजर काम हैं, या स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं या इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑप्शन है, इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑप्शन है। फिर आज हमने थोड़ा सा टेकअप किया कोलिनियर पॉइंट को भी। फिर आज हमने टेकअप किया कि ये जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन रही है ये बेसिकली क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ द रिलेशन है, ये किसी भी चीज का रिलेशन हो सकता है, कोई कॉस्ट मैन्युफैक्चर करने का रिलेशन हो सकता है, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, टीवी सेट वाला क्वेश्चन किया, कॉपीज वाला क्वेश्चन किया, एक दो क्वेश्चन मैंने क्लास में ड्रॉ किए, मेन एप्लीकेशन इसकी ये आ रही है। फिर इसी को थोड़ा सा लिंक कर देते हैं समटाइम हम ब्रेक इवन के टॉपिक के साथ, तो ब्रेक इवन का टॉपिक हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आने वाले एक आध लेक्चर के अंदर उसको देख रहे होंगे। तो अगर आप गौर करें तो एक बड़ा सीधा सादा चैप्टर है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें अपने अंदर, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसका बेहतरीन तरीका क्या है। जैसे आप गौर करें, मैंने पूरा चैप्टर आपको ग्राफ रखकर समझाया, कहां पॉइंट है, कैसे दो पॉइंट गिवन है, कैसे लाइन ड्रॉ हो रही है, किस लाइन की बात हो रही है, ये सारी बातें हम कर रहे थे ना। इसका मतलब है उसी तरह से आप इसको लेकर चले, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक मरतबा बिल्ड कर ले, क्वेश्चन बैंक पर आए, मैं नोट्स भी आजकल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही, जो बच्चे जिनके पास पहले से नहीं है वो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लें या वहीं से उसको यूज़ कर लें, तो फिर वहाँ आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगी, उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस कर सकें, चीज़ों को फर्दर आगे लेकर चल सकें। तो इंशाल्लाह ताला जी फर्दर यहाँ से आगे लेक्चर में चलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो कल मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।